ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कितना है और यही क्वालिटी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। इसको बनाने के लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी वो बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। एक लीटर का बैच बनाना मैं सिखाऊंगा, एक लीटर के हिसाब से आप कितनी भी क्वांटिटी में आप माल बना सकते हैं, 100 लीटर बना सकते हैं, 500 लीटर बना सकते हैं, आप 1000 लीटर बना सकते हैं। देखिए 650 ग्राम हमने पानी ले लिया है, आप देख सकते हैं कांटे पे। उसके बाद में हमें लेना है 15 ग्राम कास्टिक। नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं काव्या डेली न्यूज़। साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कम से कम 100 प्रोडक्ट की जो प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। आज मैं आपको दूसरा जो बिजनेस आइडिया है बहुत ही कम कीमत में आप शुरू कर सकते हैं। मैं आपको डिशवॉश जेल बनाना सिखाऊंगा, जो हर घर में डेली यूज़ में आता है, बर्तन धुलने के काम आता है। चलिए शुरू करते हैं कि डिशवॉश जेल बनाने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी इसमें लागत आएगी, कॉस्टिंग आएगी। तो सबसे पहले आपको एक लीटर का बैच बनाना मैं सिखाऊंगा, एक लीटर के हिसाब से आप कितनी भी क्वांटिटी में आप माल बना सकते हैं, 100 लीटर बना सकते हैं, 500 लीटर बना सकते हैं, आप 1000 लीटर बना सकते हैं, उसी रेशियो में आप बना सकते हैं। और क्वालिटी जब भी बनाएं आप सारी चीज़ों को मेजरमेंट करके ही बनाएं, क्योंकि बिना मेजरमेंट के क्वालिटी आगे पीछे भी हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लीटर का बैच बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, तो मैं सबसे पहले पानी की बात करूँगा, क्योंकि पानी आपको एक लीटर का बैच बनाने के लिए 650 ग्राम पानी लेना है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है कास्टिक, ये 15 ग्राम लेना है कास्टिक। ये दिखा दीजिए किस तरीके से ये कास्टिक है। ये कास्टिक लेना है आपको 15 ग्राम। उसके बाद में आपको 100 ग्राम स्लरी लेनी है, एसिड स्लरी। ये आपको एक लीटर का बैच जब हम डिशवॉश जेल बना रहे हैं तो उसमें आपको ये जो एसिड स्लरी है वो मात्र 100 ग्राम डालनी है। तीसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, एसिड स्लरी के बाद में SLES, आपको 200 ग्राम SLES लेना है। ये SLES फोमिंग का काम करता है, झाग का काम करता है। इसके बाद में आपको लेना है सेट्रिक एसिड, ये सेट्रिक एसिड है, ये मात्र आपको 5 से 6 ग्राम लेना है, यानी कि एक लीटर की आप क्वालिटी बना रहे हो तो। उसके बाद में आपको लेना है, नमक। नमक से ये सारी चीज़ें गाढ़ी होती हैं, ये आपको मात्र 5 से 7 ग्राम नमक डलेगा 1 किलो के बैच में, आपका ये जो प्रोडक्ट है उसको गाढ़ा करेगा नमक। फिर आपको कलर डालना है, ये येलो कलर है, फूड कलर, जो आप ये खाने पीने की चीज़ों में जो पीला कलर आता है, लड्डू वगैरह जो बनाते हैं हम लोग उनमें ये येलो कलर डालते हैं, ये थोड़ा सा आप येलो कलर से अपने हिसाब से आप उसको डाल सकते हैं। और लास्ट में आपको डालनी है परफ्यूम, ये लेमन की परफ्यूम है, ये आप यूज कर सकते हैं। ये क्वालिटी आपकी बिल्कुल विम जैसी बनेगी, अच्छी क्वालिटी की बनेगी और इसकी कॉस्टिंग मात्र 20 रुपये में एक लीटर बनकर आपको तैयार हो जाएगा। देखिए 650 ग्राम हमने पानी ले लिया है, आप देख सकते हैं कांटे पे। उसके बाद में हमें लेना है 15 ग्राम कास्टिक। देखिए कास्टिक हम लोग 15 ग्राम ले रहे हैं, हो गया है ये 15 ग्राम कास्टिक हो गया है, आप देख सकते हैं। ये इसको आराम से आप पहले घोल लीजिए। ये 15 ग्राम कास्टिक को हम लोग आसानी से मिला रहे हैं, इसको धीरे धीरे मिला लीजिए आप अच्छे से। आप थोड़ा ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये जो कास्टिक है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये हाथ वगैरह आपका जला सकता है, नुकसान कर सकता है आपका। देखिए 15 ग्राम जो कास्टिक है वो 650 ग्राम पानी में हमने मिला लिया है अच्छे से। अब इसके बाद में हमें जो चीज़ लेनी है वो एसिड स्लरी लेनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम हम लोग एसिड स्लरी ले रहे हैं। देखिए 100 ग्राम हो चुका है, 100 ग्राम एसिड स्लरी लिया है हमने। सबसे पहले पानी लिया था 650 ग्राम, उसके बाद हमने जो लिया था वो कास्टिक लिया था 15 ग्राम, अब जो लिया है तीसरी चीज़ हमने एसिड स्लरी।
अब इसको आप आसानी से मिक्स कर लीजिए धीरे धीरे, इसमें थोड़ी फॉर्मिंग आएगी और ये पूरी तरह इसमें मिक्स करने के बाद देखिए गर्म हो गया होगा। ये चीज़ें आपको मिक्स करने के बाद लगभग 1 से 2 घंटे छोड़ देनी है ताकि ये ठंडा हो सके। उसके बाद में चौथी चीज़ जो मिलानी है वो मिलानी है आपको SLES। अभी जो आप बना रहे हैं वो विम की क्वालिटी के जैसा आप डिश वॉश जेल बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले पानी 15 ग्राम आपने कास्टिक लिया और उसके बाद में 100 ग्राम एसिड स्लरी, इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, उसके बाद में फिर आपको SLES लेना है। देखिए 1.5 से 2 घंटे हमने जब ये आप इसमें पानी कास्टिक और जो स्लरी इसमें मिलाई थी, अब देखिए झाग बैठ गए हैं और ये अभी इसमें बहुत सारी चीज़ मिलानी बाकी रह गई हैं। अब ये देखिए बहुत शानदार क्वालिटी निकल के आ रही है धीरे धीरे। आपको जो मैंने बताया था कि लगभग 1.5 से 2 घंटे आपको ये छोड़ देना है क्योंकि गर्म चीज़ है, ठंडा होने रख देना है। ठंडा होने के बाद जो चौथी चीज़ मैंने आपको बताई थी SLES, वो आपको 200 ग्राम मिलाना है। 1 लीटर के बैच में आपको 200 ग्राम मिलाना है। ये फॉर्मिंग का काम करेगा आपका और अच्छी क्वालिटी जो डिशवॉश की बनने वाली है वो बहुत अच्छी क्वालिटी बनेगी। देखिए 200 ग्राम SLES इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको आसानी से जो 3 चीज़ों का पहले मिक्स था उसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। सबसे पहली चीज़ आपको पता ही है, 650 ग्राम पानी लिया था, दूसरा 15 ग्राम जो लिया था वो कास्टिक लिया था, तीसरी चीज़ जो ली थी हमने वो 100 ग्राम एसिड स्लरी। अब चौथी चीज़ आपके सामने जो डाली है वो है SLES। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए पानी के साथ, ये साथ में जो है पानी के साथ में जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, तभी आपकी क्वालिटी और थिकनेस और ये सारी चीज़ें बहुत ही शानदार बनने वाली हैं। देखिए गाढ़ापन इसमें ऑलरेडी आ चुका है। अब हमें इसमें करना है कलर ऐड, फूड कलर है। फूड कलर को आप थोड़ा सा 2-4-10 बूंद आप डाल सकते हैं, जो येलो कलर है देखिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आप मिलाते रहिए। ये बिल्कुल आपका विम के जैसा लिक्विड जेल बनने वाला है, जो डिशवॉश जेल है। इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, हर घर की ज़रूरत है। आप देखते होंगे अपने घर में कम से कम 10 से 12 बार बर्तन धुलते हैं। आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं और ये फॉर्मूला में आपको बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। आप इसको यूज़ करके आप आसानी से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लास्ट में बस थोड़ा सा हमें इसमें परफ्यूम मिलाना है, 2-3 बूंदें बहुत हैं। ये परफ्यूम मिलाने के बाद में ये बनकर आपका प्रोडक्ट तैयार है और इसको धीरे धीरे देखिए कितनी बहुत शानदार खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार है, कितना ट्रांसपेरेंट और कितनी थिकनेस के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल विम के जैसे क्वालिटी बनी है ये, आप देख सकते हैं। अब ये 1 से 2 घंटे के अंदर पैक करने के लिए तैयार है। आप किसी भी पैकिंग में इसको पैक करके और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग है वो मात्र 20 रुपये आई है। वो कैसे आई है इसकी कॉस्टिंग निकाल के मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए 3 घंटे रखने के बाद जो हमने जो डिशवॉश जेल बनाया था वो आप देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है और कितना गाढ़ा है, देख सकते हैं आप। मात्र 20 रुपये लीटर में ये ट्रांसपेरेंट और ये कितना गाढ़ा है आप देख सकते हैं। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट और कितना गाढ़ा है, दिखा दीजिए। जैसा कि हमने ये जो 1 लीटर डिशवॉश जेल बनाया है इसकी कॉस्टिंग 20 रुपये आई है। वो कैसे आई है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पानी मिलाया था,
पानी की तो कोई कॉस्टिंग नहीं है। 15 ग्राम कास्टिक की आप कितना कॉस्टिंग मानते हो, मात्र 50 पैसे भी नहीं है। उसके बाद में 100 ग्राम एसिड स्लरी जो मिलाया था वो लगभग 12 रुपये की है। उसके बाद जो SLES मिलाया था वो आप 200 ग्राम SLES लगभग 7.5 रुपये के आसपास का है। और लास्ट में जो परफ्यूम थोड़ी सी मिलाई थी और जो कलर है वो 50 पैसे के आसपास की कॉस्टिंग है, आप देख सकते हैं मार्केट में। मात्र 20 रुपया लीटर में आपको देखिए कितना ट्रांसपेरेंट और कितना थिक प्रोडक्ट आपको बनकर तैयार हो गया है। साथियों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के द्वारा आपको अगले जो मेरा बिजनेस आइडिया है वो आपको मिल सके। मैं आपको 100 से 200 तरह के बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकली दे रहा हूँ, मैं आपको देता रहूँगा। बहुत सारी स्कीमें, सरकार की भी स्कीमें, किस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।